Hello guys, my name is Ajay Singh and you are watching Siva Learning. We are also available on Facebook, Twitter and LinkedIn, Instagram, and you can visit for any type of students counseling like JMains, NEET counseling. We have the website also www.sivalearning.in. You can visit there and you will get the all sufficient data, whatever you need. Thank you. Hello guys, my name is Ajay Singh and you are watching Siva Learning. Today I am going to tell you how to do NEET counseling 2018. This is applicable for the 15% quota and also applicable for 100% quota for all the deemed and all the central universities across India. I will tell you how to register, which website you have to visit, where to register for 15%, where to register for 100%. This is not applicable for state quota counseling. This is applicable only for all India quota counseling, 15% and 100%. Okay. I will tell you how to lock your choice, where to fill up your choice, how to delete your choice, how to reset your password. Everything today I will tell you. Okay. You can also visit my website www.sivalearning.in. You can also call on 831-848-2793 for any counseling guidance. Okay, so let's see. So NEET 2018 counseling step-by-step procedure. Okay, first you have to visit the website www.mcc.neet.in. Aap is website ko visit karenge. आप जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पे आपको पीजी और यूजी की काउंसलिंग शो करेगी. उसमें आपको यूजी की काउंसलिंग पे क्लिक करना है. ओके, अदर थिंग, द कैंडिडेट डू नॉट नीड एनी डॉक्यूमेंट टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस. आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखना है, कोई नीड नहीं है. कीप योर एप्लीकेशन फॉर्म हैंडी. आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हैंडी रखना है ताकि आप रोल नंबर और पासवर्ड को फिलअप कर सकें. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर नीट 2018. द स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन. ओके, फर्स्ट यू हैव टू हियर इट इज शोइंग द न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन. सो जस्ट गो टू द www.mcc.neet.in एंड देन क्लिक कैंडिडेट टू लॉग इन और रजिस्टर. अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो लॉग इन करिए, नहीं तो आप रजिस्टर करिएगा यहाँ से. ओके, एंड देन सपोज यू आर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, देन यू हैव टू क्लिक हियर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन. एंड सपोज यू फॉरगॉट योर पासवर्ड व्हाइल लॉग इन, देन यू कैन रीसेट योर पासवर्ड फ्रॉम हियर. ओके, कीप योर पासवर्ड सेफ. और आपका पासवर्ड एक डिफरेंट होना चाहिए, जैसे उसमें एक मतलब नंबर्स भी रहें, लेटर्स भी रहें, एक कैपिटल लेटर भी रहे, एक स्पेशल कैरेक्टर भी रहे. तो मेक योर पासवर्ड मिनिमम 8 वर्ड्स एंड योर पासवर्ड शुड बी हाईली स्ट्रॉन्ग. ओके, एंड देन हियर यू हैव टू फिल अप योर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड देन सिक्योरिटी पिन. यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा, दैट ओटीपी यू हैव टू फिलअप हियर. तो आपको मोबाइल अपने पास में रखना है. ओके, जो नंबर आपने ऑलरेडी दिया होगा, क्लिक ऑन सबमिट आफ्टर द प्रोवाइडिंग डिटेल. उसके बाद आप यहाँ से सबमिट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है, इस सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं. अगर आपको कुछ गलती लगती है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं. फॉर इनिशलाइजेशन टू रीसेट रॉन्गली फील्ड इंफॉर्मेशन, कुछ गलत किए हैं तो आप यहाँ से रीसेट कर दीजिए. ओके, एंड देन इफ यू क्लिक ऑन सबमिट बटन देन फॉलोइंग विंडो विल अपीयर एंड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन आई एग्री देन क्लिक टू प्रोसीड. जैसे ही वहाँ पे आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे आपको एक नया विंडो ओपन होके आएगा और उस विंडो पे लिखेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड. और इसके कुछ डिक्लेरेशन है जो कि आपको आई एग्री करना पड़ेगा. ओके, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे क्लिक टू प्रोसीड, आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे. ठीक है, जहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट.
कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो कि आप ऑलरेडी दिए थे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी आंसर, चूज योर पासवर्ड कंफर्म। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल क्लिक ऑन सबमिट। तब आपको डिटेल देने के बाद जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट, देन यू गो टू द नेक्स्ट पेज। सो हियर कैंडिडेट डिटेल एंड देन हियर इट इज शोइंग कंफर्म रजिस्ट्रेशन। आपको एक न्यू विंडो ओपन होगा जहाँ पे शो करेगा कंफर्म रजिस्ट्रेशन। ओके, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डिटेल्स क्लिक ऑन कंफर्म रजिस्ट्रेशन। इफ यू फाइंड एनी रॉन्ग डिटेल्स इन चीज देन क्लिक ऑन बैक। कुछ गलतियाँ की हैं अगर आपने तो बैक करिए, नहीं तो आप ये सारा चेक करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, कंफर्म करने के बाद ये आपका एक विंडो खुल के आएगा जिसको बोलेगा क्लिक हियर टू प्रिंट द रजिस्ट्रेशन स्लिप। आप यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन को प्रिंट कर सकते हैं और क्लिक हियर टू लॉग इन। ओके, एंड देन यू हैव स्टेप टू, लेट्स सी व्हाट इट इज। स्टेप टू इज योर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपको यहाँ से चॉइस फिलिंग करना है। क्लिक चॉइस अवेलेबल टू वीप चॉइस अवेलेबल टू कैंडिडेट। आप चॉइस फिलिंग अपने यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। आपको यहाँ से अगर आपको BDS करना है तो BDS, MBBS करना है तो MBBS। तो यू हैव टू डू योर चॉइस फिलिंग फ्रॉम हियर। ओके, जो कॉलेज आपको इच्छा रहेगा उस पर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन टू ऐड सीट क्लिक बटन, आपको यहाँ से जो भी आपको ऐड करना होगा वो कर सकते हैं। और प्लस इसी को आप, जैसे मान लीजिए आपको अपना प्रेफरेंस चेंज करना है, सपोज यू वांट टू चेंज योर प्रेफरेंस, देन यू शुड डू हियर अप एंड डाउन। क्लिक हियर टू बी मूव चॉइसेस अप एंड डाउन। सपोज आपको आपको कोई कॉलेज पहले रखना है, कोई कॉलेज बाद में रखना है, तो आप अपने चॉइस प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इस बटन से आप अपने चॉइस को डिलीट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। क्लिक ऑन चॉइस इंटरचेंज टू स्वैप पोजीशन ऑफ फील्ड चॉइसेस। अगर आप किसी चॉइस को स्वैप करना चाहते हैं, उसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, देन यू सिंपली हैव टू चूज द फॉर्म एंड देन चॉइस फ्रॉम एंड चॉइस टू। जहाँ से आपको इंटरचेंज करना है वहाँ से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट बोथ चॉइसेस विच यू वांट टू स्वैप। आफ्टर दैट क्लिक ऑन इंटरचेंज, अदरवाइज क्लिक ऑन रीअरेंज चॉइसेस। ओके, सो आइदर यू कैन डू रीअरेंज और यू कैन डू इंटरचेंज। ओके, नाउ हियर क्लिक फॉर द मल्टीपल डिलीशन। सपोज आपने कुछ कॉलेज गलती से भर दिया, सो इफ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलेज देन यू सिंपली हैव टू क्लिक and then select and then delete checked item or uncheck all. If you don't want to delete, then do uncheck all. If you want to delete, then delete checked item. Okay. Now step number 3 is choice locking. Okay. So here indicative sheet, click here to lock all the field choices. You have to click on indicative choice and then here you have given. After locking, candidate is not allowed to make any modification. अब choice lock करने के बाद कोई modification नहीं कर सकते हैं, so please choice lock करने के पहले ही पूरी modification आप कर लीजिएगा। okay? Click here to lock the choices. Here you can lock your choices. okay? Other things, locking choices, this is over. And then here you have to message. Your field choices have been locked successfully. Now you are not allowed to make any modification in field choices after taking the printout, locked out button and close all the open window related to your session for security reason. Click below link to print locked choices. अब आपने जो चॉइस लॉक किया है उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं और यहाँ से आपकी ऑनलाइन की जितनी प्रोसेस थी वो ख़त्म हो गई। नाउ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग और जॉइनिंग मेडिकल कॉलेज। सपोज आपने चॉइस फिलिंग कर दिया और उसमें से आपको कोई कॉलेज मिला। अब कॉलेज मिला तो आपको वहाँ पर क्या ले जाना है, फर्स्ट
Admit card of the exam issued by the CBSE, results, rank letter issued by CBSE, date of birth, class 10 certificate, class 10 plus 2 certificate, class 10 plus 2 mark sheet, 8 passport size photograph, provisional allotment letter generated online, POI like Aadhaar card, applicable SCST OBC certificate, physically disabled certificate. So these are all things you have to bring with you during the counseling or reporting the medical college. Okay, so the list of colleges, then you can visit this. You can watch this whole video like 242 private medical college with cutoff and fees. And EMS, if you're looking for EMS answer key, then all the answer keys are available here. If you're looking for other answer keys, you can watch. And then if you're looking for low budget colleges, then 5 to 7 lakh fees private MBBS college and this cutoff range. Okay, if you're looking for low budget private medical college, then you can watch this video. You can also visit my website www.sivalearning.in. this website is in maintenance, but still we have lots of data for MBBS counseling or NEET counseling. So please, you can visit my website, you can search on YouTube with name Siva Learning, you will get all the sufficient data, whatever you need.